हाय गाइज, आज हम आपको चैनल में एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं। वो है यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। देखो, आपको बता दें कि यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी होगा वही यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकता है। दूसरा बात, आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपका आधार नंबर डाला जाएगा, वो होगा तभी आप आगे फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा, आपका निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो कि जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। दूसरा, जात प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए अगर आप उस कैटेगरी के हैं जनरल को छोड़ कर के। तीसरा जो है आपके पास छात्र की आईडी, देखो मतलब आप किस कॉलेज से हैं वो आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपको बता दें कि 3 साल से अंदर का होना चाहिए, मतलब जो है उसकी डेट जो है 3 साल से नया, मतलब जो है अंदर का बना हुआ होना चाहिए। और आप जो इनकम होनी चाहिए आपके जनरल ओबीसी की 2 लाख से नीचे होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए, और एससी एसटी की 2.5 लाख से अंदर होनी चाहिए, वही जो है यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म का फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे आता है, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट के बारे में बता दें कि आपका नाम जो होना चाहिए आधार में जो नाम है वही आपके बैंक अकाउंट में नाम होना चाहिए, वही आपके हाई स्कूल में नाम होना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तीसरे, आपको बता दें फीस रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। इस तरह से आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ओके, बाय।